आगरा के ताजगंज क्षेत्र में आगरा स्मार्ट सिटी द्वारा सीवरेज कनेक्शन कार्य भी शुरू किया गया, लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी थे जहां पारंपरिक गुरुत्वाकर्षण प्रणाली को स्थापित करना असंभव था। वहां आगरा स्मार्ट सिटी ने क्षेत्रीय नागरिकों की इस समस्या का निवारण करते हुए यहां वैक्यूम सीवरेज सिस्टम स्थापित किया, जिससे आगरा वैक्यूम सीवरेज सिस्टम पर आधारित भारत का पहला शहर बन गया। आगरा स्मार्ट सिटी द्वारा बनाए गए वैक्यूम सीवरेज सिस्टम स्टेशन में 3 वैक्यूम पंप लगाए गए हैं। प्रत्येक पंप की वैक्यूम कैपेसिटी 0.2 एमएलटी है। अगर संपूर्ण वर्किंग स्टेशन की बात की जाए तो 0.61 एमएलटी है। 500 मीटर के क्षेत्र में बनाए गए 112 वैक्यूम चैम्बर्स में लगे ऑटोमेटेड फ्लोट एक्टिवेटर डिवाइस सीवरेज स्तर बढ़ने पर पिस्टन को एक्टिवेट करते हैं, जिससे पाइपलाइन में वैक्यूम पंप द्वारा उत्पन्न वैक्यूम प्रेशर सीवरेज को वैक्यूम सीवरेज स्टेशन में लगे 6 मीटर क्यूब कैपेसिटी वाले सीवरेज स्टोरेज टैंक तक लेके आता है। स्टोरेज टैंक का लेवल बढ़ने पर स्टेशन में लगे डिस्चार्ज पंप, जो कि 425 लीटर पर मिनट डिस्चार्ज क्षमता के हैं, वे स्वचालित पैनल द्वारा सीवरेज को ड्रेन में डिस्चार्ज करते हैं। इन स्वचालित पैनल से सीवरेज के वैक्यूम प्रेशर, सीवरेज में होने वाली लीकेज या चोक समस्याओं व चैम्बर्स के जल स्तर पर जीआईएस सेंसर द्वारा निगरानी रखी जाती है। ताजगंज क्षेत्र के 500 घरों को वैक्यूम सीवरेज सिस्टम से जोड़ने वाली इस महापरियोजना में अब तक 255 से अधिक घर वैक्यूम सीवरेज का लाभ उठा रहे हैं। जी, मेरा नाम खुशबू है, मैं ताजगंज क्षेत्र में सब दिल्ली में रहती हूँ। और ना यहाँ पे जो सीवर सिस्टम लगा है, जो स्मार्ट सिटी करने के लिए लगाया गया जो सीवर सिस्टम, उससे हम बहुत सेटिस्फाइड है। जिससे कि कोई भी चीज़ जो सीवर लाइन होती है वो चौक नहीं होती है, उसका मशीनरी सिस्टम बहुत अच्छा है। और पहले की जो सीवर सिस्टम था वो चौक हो जाता था, जिससे कि गंदगी रोडों पे बहती थी और स्मेल आती थी बहुत सारी। पर ऐसा अब कुछ ऐसा नहीं है, सारा मतलब जो मशीनें हैं वो सारे उसको मैच करके और ना गंदगी चौक नहीं होता। कहने का मतलब पूरा ये है कि गंदगी ऊपर नहीं आती है, जो भी है उससे हम सेटिस्फाइड हैं।